पिहोवा डीएसपी व तहसीलदार ने पिहोवा प्रेस एसोसिएशन के साथ मिलकर गांव ककराली की गौशाला में पौधारोपण किया। गौशाला में पहुंचने पर कमेटी द्वारा दोनों अधिकारियों का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी गौशाला में अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही, इसके बावजूद गांव के युवाओं ने मिलकर पिछले 2 वर्षों से गाँव वालों की सहायता से इस गौशाला का निर्माण करके इसे बखूबी चलाया हुआ है। आसपास के गांवों से तुड़ी एकत्रित की जाती है और गांव के सभी युवा सुबह शाम को गौशाला में आकर सेवा करते हैं। डीएसपी गुरमेल सिंह ने कमेटी का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि गांव के युवाओं ने ये नेक काम करके मिसाल कायम की है। पुलिस प्रशासन हमेशा नेक कामों में समाज के साथ है। इस मौके पर तहसीलदार चेतना चौधरी ने भी फलदार पौधे लगाए और गौओं को चारा डाला। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण हरा भरा बना रहे। इस मौके पर सुभाष पॉलस, रंजीत सिंह, विक्रम सिंह, नरेश कुमार, मनजिंदर सिंह, ईश्वर सिंह, मनीष कुमार, विनोद सैनी, मुकेश डोलिया आदि मौजूद रहे। किस प्रकार का कार्यक्रम रहा और क्या संदेश दे दोगे जो गौशाला समिति ने जो काम किया है तो बड़ी खुशी हुई मेरे को अपनी जानकारी प्राप्त करके। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मेरे को तब हुई जब मेरे को पता लगा कि मतलब जो इतनी ये डेवलपमेंट की है, ये सभी जो नौजवान लड़के हैं गांव के और बुजुर्ग सभी ने मिलके 2 साल में इतना किया। और जबकि मेरे को ये पता लगा कि मतलब ये रजिस्टर नहीं है और सभी गाँव के सहयोग से इतना किया गया। और सेवा तो मैं उसी को मानता हूँ जो दिखावे में ना हो। आप एक अनबोले धन को मतलब सेवा कर रहे हो तो वो आपकी सेवा सफल होगी। और दूसरा जो आज पौधारोपण का इन्होंने किया है, पौधारोपण में भी आज के टाइम में हम देखते हैं कोई ज़मीन है, जायदाद है जो हमारे बुजुर्ग गया तो ये तो बनी हुई है, पहले ही बनी हुई है। लेकिन हम अपने समाज को, अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? असल में तो यही है जो हम उनके जीवन की सुरक्षा के लिए आगे पौधारोपण करके जो हमारे जिंदगी को सफल बनाएगा। क्योंकि देखने में अभी पता सभी को पता कि जो महामारी आई थी हमारे इसमें, अभी भी हम उसको हल्के में ना लें कोरोना के बारे में। तो जो पौधारोपण है, पौधे ही हमारे की जान को बचाएंगे। इतनी स्वच्छ हवा यहाँ है, अब यहाँ बातें भी चलती थी, बाहर से जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि इतना खुला डुला स्वच्छ वातावरण। तो पौधे ही हमारे समाज को, जो इन्होंने मतलब गांव वालों ने पौधारोपण किया, ये सबसे बड़ी देन है आज के हमारे बच्चों के लिए और उनके लिए। कोई ज़मीन ज़्यादा वो तो सभी बड़ी बनाई है, वो तो अदला बदली होती रहती है। लेकिन पौधारोपण है जो ठीक है, हमारे पास उसका मापदंड नहीं है, लेकिन जो ये पौधारोपण किया है ये हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। तो मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि आपके जो आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, आप उनसे मिलिए और इसको रजिस्टर कराइए ताकि इसमें जो भी और भी कमी है वो पूरी हो जाए। और मैं इनको बधाई देता हूँ गाँव वालों को जो इन्होंने मतलब इतना 2 साल में इतना अच्छा काम किया है।